हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हिमाचल डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज संवर के ये क्या कर रही हूँ किचन में। तो आज हिमाचल डे है, 15 अप्रैल, और हिमाचल डे के लिए एक रील हम लोगों ने शूट करनी है, तो उसके लिए मैं रेडी होकर बैठी हूँ। नायशा भी रेडी हो गई थी, बट अंकित के लिए लाइट चली गई थी कपड़े प्रेस करने को, तो अभी अंकित आ गए हैं। अभी अंकित ने रेडी होना है, तब तक मैं ये लौटे बना रही हूँ। लौटे यानी कि ये भी एक हिमाचली डिश है, हिमाचली पहाड़ी डिश, जो कि आज हिमाचल डे के उपलक्ष्य पे हम बना रहे हैं। चिलड़े बोलते हैं कुल्लू में, हम लोग बोलते हैं इनको चिलड़े, यहाँ पे बोलते हैं लौटे, और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता होगा इस चीज़ को। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप क्या कहते हैं, आपके वहाँ पे बनाए जाते या नहीं बनाए जाते। तो जी चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। फटाफट से मैं ये किचन का ताम झाम ख़त्म करती हूँ। ओहो, जला दिया मैंने वाला। मैंने तीन चार बना भी दिए थे, वो बच्चे खा गए, बनते बनते ही खा रहे हैं साथ साथ में। ये आटा रहता है ना इसका लौटे के लिए, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखो ऐसी होती है, बिल्कुल पतला होता है, तो ये चिपक जाता है कई बार तवे पे। तो नॉनस्टिक पे बनाना सही रहता है, या फिर जो ये वाला मेरा ये वाला तवा है, देखो ये मैं थोड़ी सी प्रो हूँ ना, इसलिए मेरे नहीं चिपक रहे छोटी। ये वाला तवा ज़्यादा बेटर है, इस पर चिपक रहे थे, इस पर नहीं चिपक रहे। ये मोटा है थोड़ा शायद ना, वो ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल के लिए। क्यों बंद करूँ मैं छोटी, इसको मैं यहाँ जो रख देती हूँ ऐसे रख लेती हूँ इसको यहाँ पे ना। निकुंज एक साथ चाय देख रहे हैं, क्योंकि एक बज गया और हमारे घर में एक बजे होता है चाय पीने का टाइम। तो किसी का चाय पीने का मन हो, एक बजे हमारे घर आ सकते हैं, एक बजे हमारे घर में कुछ भी हो, पर एक बजे चाय बनना इज परमानेंट हमारे घर में, एक बजे और शाम के 3 बजे बनती होती है। जल्दी से रेडी हो जाओ, तो हिमाचल डे खत्म हो जाएगा, हम लोगों की रील जाएगी हिमाचल डे खत्म होने के बाद। अब मेरे को लग रहा है मैंने ना ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, तो अब ये भी जल जाएगा, देखना नहीं जला, नहीं जला, नहीं जला, बच गया छोड़िए। पता क्या हो रहा है ना, ये ज़्यादा जब तवा गर्म हो रहा है ना, हाँ ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसकी ये हाल चाल हो रहा है। हाँ हाँ छोटी, लो निकालो आप। देखो जी नायश जी भी हमारे हो चुके हैं रेडी, ट्रेडिशनल धाठू पहन के। बस अंकित रह गए, अंकित के कपड़े प्रेस कर दिए, वो बस रेडी होते ही होंगे। जल गया इधर, नहीं जी हिमाचल डे पे जा रहे हैं, आप गॉगल पहन के, आप कहीं और नहीं जा रहे हिमाचल डे पे। नहीं यार थोड़ा सा पहाड़ी लुक आना चाहिए ना, ये देखो पहाड़ी क्या चश्मे पहनते थे, पहाड़ी नहीं पहनते तो क्या पहाड़ी की चश्मे हो गई, ये तो कुछ धाठू लग रहा है टेढ़ा। और ये देखो जी हिमाचली कपल इज रेडी फॉर हिमाचल डे एंड मेनी मेनी। आपने तो हिमाचल डे की शुभकामनाएं क्यों, मैं तो दी सबको, और मैं पूरे अपने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमेशा खुशहाल भरा ये आपको साल आए, और ऐसी आप हिमाचल हमेशा तरक्की करे, तरक्की करे। और चलो अब थोड़ा सा रील बनानी, चलो। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई, अब कैसे करेंगे, एक क्लिपिंग लेनी थी बस, मतलब 3 या 4 सेकंड चलिए, अभी नहीं है, कर लेंगे, बारिश में लेनी पड़ेगी क्लिपिंग। क्या सरप्राइज, घासी गाँव, चलो। मेरे को लग रहा है कि ये जोरदार बारिश हो गई है शुरू, और हमारा प्लान ये था कि ये जो पीछे चेरी के पेड़ है ना, जो बिल्कुल फुल फ्लावरिंग पे है, यहाँ पे थोड़ी सी क्लिपिंग हम लोगों ने लेनी थी, बट और जोर की लग गई, और जोर की लग गई। ये वाले शूज किसके साथ, शूज तो ठीक है, शूज तो दिखने भी नहीं है शायद उतने, नहीं तो फिलहाल के लिए थोड़ी सी बारिश कम हो गई है, और चल पड़े हम रिस्क लेके। रेशमू एक काम करिए, छाता भी ला दे साथ में, छाता है। अरे अंकित वो रस वजह केदारनाथ जा रही है यार, फिर भी भीगना कोई अच्छी बात थोड़ी है, या हम भीग जाएंगे इतनी जोर की बारिश हो रही है। ये देखो ऊपर से कैसे पानी गिर रहा है, कमाल करते हो चौहान साहब, है तो है क्यों नहीं है। अरे देखो यार चेरी के पेड़ कितने खूबसूरत सुंदर लग रहे हैं, शिमला में आपका स्वागत है, कश्मीर में आपका स्वागत है। एक मिनट, और ये फूल कुमारी की तरह देखे हम लग रहे हैं, ये देखो अंकित तो लग रहा है पूरे कश्मीरी, और कश्मीर में सच में कश्मीर है। चलो जी मुश्किल से बारिश रुकी हुई थी और गीले हो गए हम लोग, फिर से स्टार्ट हो गई बारिश और जोर से शुरू हो गई, ना शिवरी ठंड लग गई। चलो चलते हैं, चलो तुम लोग चलो। तो अब खा लेते हैं लौटे और घी। वैसे यहाँ पे ना इनको शहद और घी के साथ खाया जाता है, बट शहद मेरे को लग रहा है अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ये हम लोग खाएंगे घी के साथ।
हाइलाइट। लो जी जी, वाह वाह वाह। अभी खा रहे अंकित लौटी और घी। कैसे हैं जी? घी के ऊपर शहद के साथ मुझे है। मैंने घी के साथ दिया क्योंकि इसमें नमक डाला था इसलिए ना। यहाँ पे शहद और घी के साथ खाए जाते हैं ये चिल्टे लौटे। अच्छा, नाशा गिर गई और इसने पूरी ड्रेस अपनी खराब कर दी तो वो उतार दी, फिसल गई। वहाँ बारिश से गीला हो गया था ना खेत में, थोड़ा फिसल गई। क्या बात थी नाशा, क्यों उसके टूटा? अब रेशमा दीदी खा रहे हैं घी और लौटा। देखो नाशा ऐसे खाते हैं, नाशा घी नहीं खाती। मांची देखो दीदी कैसे खा रहे हैं घी। शायद ढूंढना पड़ेगा, छोटी बच्चा भी है कि है ही नहीं है। रेशमा कैसे है? नेपाल में नहीं खाते ना ऐसे? कैसे है? ठीक। रेशमा को अच्छे बोलने पड़ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ जबरदस्ती बोल रही है। नहीं ठीक है। तो अब खा पी के करते हैं वीडियो को एडिट, जो इतना तामझाम किया ना सुबह से। ये एक मैंने रील के लिए किया, शॉर्ट वीडियो के लिए किया है। और हिमाचल डे खत्म हो जाएगा, दो तो बज गई, एडिट करते करते मेरे को तीन बज जाएंगे। और पोस्ट मतलब जब तक पोस्ट होनी है ना तब तक हिमाचल डे भी हो जाना। लोग तो चल पड़े हैं क्यारी, सामान लाना है पालिका बाजार क्यारी जी। थोड़ा सा सामान हम लोगों ने लाना है, कल तीत है शिलाबुई की, यानी कि एक महीना पूरा हो जाएगा। तो हम लोग स्कूल में खाना दे रहे हैं बच्चों को, इसलिए वो जो भी राशन वगैरह है वो अभी लेकर के आएंगे हम लोग। और हाथ बहुत हिल रहा है मेरा। हमारे साथ देखो पीछे कौन है, रेशमा दीदी, और यहाँ देखो कौन है, नाइशा। और आज ना मौसम ख़राब था, सुबह हम लोगों ने स्प्रे भी की और बारिश भी आई हुई अभी थोड़ी देर पहले। और देखो बारिश के बाद मौसम कितना फ्रेश लग रहा है, साफ हो गया। ये देखो जी HRTC और फ्लावरिंग भी होगी आजकल हमारे बगीचों में, मतलब कि फुल ब्लूम तो नहीं हुआ है बट फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है बगीचों में। दिखाऊंगी मैं अभी आपको, कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, सारे बच्चे देखेंगे फिर। ये देखो मेरे पुराने स्टूडेंट्स मिले हुए को यहाँ पे, प्रदीप और दिनेश। जाओ रेशमा दीदी के पास जाओ, वहाँ रेशमा, रेशमा और नाइश है, वहाँ जाओ। थैंक यू। ओके बेटा वेलकम, वहाँ गाड़ी में जाओ। लो जी आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? लो नाप को, वन नाप को, ये गिर गया, उठा ले उठा ले उठा ले, वन नाप को, वन नाप को। नाइश को जुकाम लग गया बट आइसक्रीम खाने नहीं भूल गए, वन मेरे को। यहाँ पे कुरियर ही कुरियर होता है हमारे, पीछे रख दो इनको, निकुंज के दो कुरियर थे। वो ये ला दिया है जी सारा सामान, राजमाला इसमें और अंकित पनीर घर ले जाना है, किरण ले जाना घर। अंकित ने 5 सिलेंडर ले जाना है नीचे गाड़ी में भर के। पता क्या, दाल भी तो दे दो, दाल भीगने डालनी पड़ेगी घर में। नहीं बाकी गाड़ी में रख दो। आ जाएंगे 5 यार, मुश्किल है कि फिर नीचे को उतराई में यार भर दिए कितने 5 सिलेंडर उसमें। हाँ जी कर दो बंद। हाँ जी 2 लाए, आराम से आ गई थी, कोई टेंशन तो नहीं हुई। आ जाओ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एंड इसी के साथ ही हमारी 3 दिन की जो छुट्टियां थी स्कूल से वो ख़त्म हो चुकी हैं। कल जाना है स्कूल और नाइशा और नविश्वास को कल छुट्टी है, ये लोग घर में ही होंगे। वैसे कल इनको अपने साथ स्कूल ले जाऊंगी क्योंकि कल स्कूल में खाना भी है, तो फिर ये लोग भी आ जाएंगे। और इसके साथ ही पता नहीं माइक में ना कुछ दिक्कत हो रही है, बीच में ठीक चलता और बीच में ना कुछ डिस्टर्बेंस ही हो रही है माइक में, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ये वाला माइक है देखो, हॉलीलैंड का ये वाला माइक है, ये वाला हॉलीलैंड का माइक है। तो अगर किसी को कोई आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों ने सुना ही होगा आज के ब्लॉग में भी बीच बीच में ना साउंड डिस्टर्बेंस आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।